हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विद न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट एक्टिव सबवूफर। आज की वीडियो में आपको दो एक्टिव सबवूफर दिखाने वाला हूँ, एक तो सोनी का रहने वाला है और दूसरा हमारा बेसलिंक रहने वाला है मिनी इन्फिनिटी का। लुक्स काफी ज्यादा अमेजिंग आते हैं और साउंड की टेस्टिंग मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो मैं आपको जो है कैमरे के एंगल से दिखाता हूँ किस तरीके के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी और इन्फिनिटी बाय हरमन के दोनों के आपको अंडर सीट सबवूफर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी आज की वीडियो में हो जाएगा और दोनों की क्वालिटी किस तरीके की, मतलब किस तरीके के देखने में लगते हैं, वो भी आज की वीडियो में पूरा जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारा सोनी का, आप देख लो ये हमारा एक्टिव सबवूफर है XS-AW8 और कुछ इस टाइप की आपको जो है पूरी लुकिंग के साथ मिलता है। इसी के साथ मैं जो इसकी सबसे अच्छी खास बात लगी है, इसके साथ आपको कंट्रोलर मिलता है। कंट्रोलर देखने में पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी लुकिंग भी देखने में लगती है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग MRP और यहाँ पर आप देख लो एड्रेस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। लुक्स काफ़ी अच्छे आते हैं और यहाँ पर आपको एक्सप्लोड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एक्सप्लोड सीरीज़ का है, इसका आपको पीक पावर देखने को मिल जाता है 160 वॉट्स का। वहीं पर 8 इंच का ये है, 2-way इनपुट है, एल्युमिनियम बॉडी का है, मीन्स आपको ये काफ़ी लाइट वेट देखने को मिल जाएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। अब इसकी जो है मैं आपको लुकिंग्स भी चेकआउट कराता हूँ सबसे पहले कि ये किस तरीके का रहता है। इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है सोनी ने कि ये किस तरीके से रखा सकता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सीट के नीचे आपको किस तरीके से रखना है, वो आपको यहाँ पर जो है पूरा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसी के साथ में वायरिंग वगैरह का जो है पूरा आपको कनेक्शन वगैरह सोनी की तरफ से मिल जाता है कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। और इसके अंदर में आपको ये कुछ जो है पूरे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से ओपन करते हैं, किस तरीके की इसके अंदर आपको पूरी एसेसरीज मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सोनी का अंडर सीट एक्टिव सबवूफर पूरा जो है ओपन हो चुका है। या आपको कुछ ये अंडर सीट देखने को मिलता है, सबसे पहले इसी को ओपन करते हैं, एसेसरीज की बात अपन बाद में करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। लुकिंग्स आप इसकी चेकआउट करो, एक्टिव सबवूफर है ये। 8 इंच की आपको इसमें पूरी जो है स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एल्युमिनियम बॉडी है, ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सबवूफर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है। इसके अंदर में आपको लो पास फिल्टर देखने को मिल जाता है, फेस और गेन कंट्रोलर का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेन कंट्रोलर भी मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ किस तरीके का रहता है। वहीं पर यह आपको पूरा कपलर वगैरह का सॉकेट देखने को मिल जाता है और ये फ्यूज़ के साथ आता है। कोई भी अगर इसमें वायरिंग में मेल फंक्शन होता है तो इसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्यूज उड़ेगा। तो फ्यूज आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि इसकी खास बात है। और यहाँ पर आपको ये पावर के लिए जो है पूरा लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको ये वायरिंग देखने को मिल जाती है। पूरी वायरिंग इसी में कंपनी ने प्रोवाइड करी है, कोई भी एक्सटर्नली वायरिंग हमारी नहीं लगने वाली है। इसी के साथ में गेन कंट्रोलर मैं आपको दिखाता हूँ। गेन कंट्रोलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है। और बेस को हाई और लो कर सकते हैं, जो कि इसकी खास बात लगी। और ये आपके कॉकपिट एरिया में इजीली फिटमेंट हो जाएगा। इसी के साथ में इसमें जो पेपर डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपको इधर पे देखने को मिल जाते हैं और वारंटी वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो है वारंटी कार्ड है हमारा। और ये आप देख लो, ये इसके माउंटिंग्स वगैरह हैं, ब्रैकेट्स हैं, जिससे ये अंदर बिल्कुल बहुत ही परफेक्शन के साथ में फिट हो जाता है और कोई भी आपको वाइब्रेशन वगैरह इसमें फील नहीं होती है। अब यहाँ पर है हमारा इन्फिनिटी बाय हरमन का बेस लिंक मिनी। 200 वॉट का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं पर 100 वॉट का RMS प्रोड्यूस करता है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पर इसका साइज़ कंपेयर टू दिस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो वो भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हैं, 18,990 रुपीज़ है। और इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं, किस तरीके का है ये वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर में सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं, ऑनर्स मैनुअल है। इसी के साथ में वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। वायरिंग्स वगैरह इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर ये हमारी वायरिंग दी हुई है कंपनी ने। और ये भी हमारा जो है पूरी वायरिंग है, ये गेन कंट्रोलर की वायरिंग है और इसमें आपको कुछ गेन कंट्रोलर इस टाइप का देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड के अंदर फिट हो जाता है, डैशबोर्ड के नीचे, तो गेन कंट्रोलर कुछ इस टाइप का आपको इसमें देखने को मिलता है। और ये हमारा मेन जो है पूरा सबवूफर है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का रहता है और किस तरीके का देखने में लगता है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप BassLink का मिनी इन्फिनिटी का आपको यहाँ पर एक्टिव सबवूफर देखने को मिल जाएगा। BassLink मिनी की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। इसी के साथ में जो साइज़ है वो कंपेयर टू दिस मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा स्मॉल है, तो आपको अगर आपको बहुत ही कम स्पेस में इस चीज़ को रखना है तो आप इजीली रख सकते हैं। वहीं पर इसका जो स्पीकर है वो रेक्टेंगल डिज़ाइन में आपको जो है पूरा देखने को मिलता है। इसी के साथ में इसमें आपको यहाँ पर पूरा इधर पे सेटअप देखने को मिलता है। बेस बूस्ट आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, लो पास फिल्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, गेन आपको कितना चाहिए वो आप कर सकते हैं यहाँ से भी, और जो रिमोट मैंने आपको बताया है इसकी मदद से भी आप इसका जो गेन कंट्रोल वो कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह के जो है पूरे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा कपलर सॉकेट लग जाएगा और ये फ्यूज़ आपको देखने को मिल जाता है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बैक साइड में आपको इन्फिनिटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर वन फ्रेम में दोनों है हमारा सोनी का XS-AW8 का एक्टिव सबवूफर, वहीं पर BassLink मिनी है इन्फिनिटी की तरफ से। दोनों का आप साइज़ भी देख सकते हैं, साइज़ में कहीं ना कहीं इसकी जो है थोड़ी सी लेंथ विड्थ बढ़ी हुई आती है, वहीं पर ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है क्योंकि उसी तरीके से इसको जो है पूरा डिज़ाइन किया है। मिनी की आपको यहाँ पर जो बैजिंग देखने को मिल रही है वो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है और साउंड आउटपुट जो अपना बेस है वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है छोटा होने के बावजूद भी। तो ये जो है दोनों का मैंने आपको पूरा रिस्पॉन्स दिखाया है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सोनी के अंदर आपको 75 वॉट्स का RMS देखने को मिलता है, इसके अंदर में आपको 100 वॉट का RMS देखने को मिलेगा। RMS इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, वहीं पर साउंड आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको महसूस हो सकता है इसके RMS को लेकर। तो ये आपको जो है पूरा मैंने एक अनबॉक्सिंग दिखाई है। साउंड आउटपुट इन दोनों का मैं आपको बहुत ही जल्दी कंपैरिजन वीडियो लेकर आने वाला हूं और किस तरीके का दोनों का साउंड आउटपुट है वो भी दिखाने वाला हूं। तो इसी के साथ एट द एंड आते हैं, होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ आपको वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है शेयर, कमेंट करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, यूजर नेम आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।